लेकिन सही में यार पीयर प्रेशर में आके ना कभी भी चॉइसेस नहीं लेने चाहिए, नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होगा, जैसे मेरा हुआ। मैंने पूरी एक साल क्रिकेट की कोचिंग की है लेकिन कुछ घंटा नहीं सीख पाया मैं, इंटरेस्ट ही नहीं था। आज भी ना ढंग से बैटिंग आती है ना ढंग से बॉलिंग, शायद इसीलिए मेरे दोस्त अभी खेलते नहीं थे मेरे साथ। चिंटू आजा मेरी टीम में और राजू भी आजा, अब बस एक और प्लेयर चाहिए। दादी मां आप आ जाओ। What? क्रिकेट कोचिंग मैंने 9th के बाद छोड़ दी थी क्योंकि तब बोर्ड्स एग्जाम का प्रेशर आ गया था, बट उन्हीं एक साल में मैंने कुछ ऐसे मेमोरीज बनाए जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो उस दिन मेरा पहला क्रिकेट मैच था एंड हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी, तो बॉलर पहला बॉल डालने के लिए रेडी था एंड हम लोग अपने पूरे पोजीशन में थे। अब ठीक मेरे सामने एक बंदा बड़ी अजीब तरीके से खड़ा था एंड हिज लेग्स वर शेकिंग, बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे लगा शायद नर्वस होगा तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। सो नाउ जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली मेरा ध्यान सीधा बैट्समैन की तरफ गया, बट सिंस वो बंदा मेरे आगे खड़ा था तो उसका पिछवाड़ा भी मुझे दिख रहा था एट द सेम टाइम, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई सॉ। अब समझे वो कांप क्यों रहा था, बेचारा टट्टी रोक रहा था अपनी, बट सिंस हमारे कपड़े व्हाइट कलर के थे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सब साफ साफ दिख रहा।